तो मैं आई हूँ आप लोगों को बिग बॉस OTT सीजन 3 से में कुछ लेटेस्ट अपडेट देने के लिए। तो जैसा कि अभी पूरे इंटरनेट पे यूट्यूब पे वायरल हो रहा है, देखने के लिए आ रहा है कि अरमान मलिक ने विशाल थप्पड़ मारा, क्या सही है क्या गलत है, क्या नहीं है, क्यों हुआ कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अरमान मलिक, मुझे जहां तक लगता है ना अरमान मलिक की गलती है ना विशाल की गलती है। विशाल ने सिर्फ बोला था कि भाभी अच्छी लग रही है, और लव कटारिया ने यहाँ पे गेम प्ले किया है, उसने विशाल के शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया अरमान मलिक के सामने, और अरमान मलिक को गुस्सा आ गया। तो यहाँ पे लव कटारिया, जहाँ तक लगता है विशाल उसे अपना दोस्त समझता है, लेकिन वो जो है वो अपना प्ले कर रहा है, उसको उस शो में बने रहना है, इसलिए वो चाहता है कि विशाल शो से हट जाए, इसलिए उसने अरमान से झूठ बोला और उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया। यहाँ पे हम एक क्लिप देखेंगे जिसमें बताया गया है कैसे विशाल बोल रहा है, कान में क्या बोल रहा है, तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट ये वर्ड्स थे कि कृतिका भाभी मुझे बहुत पसंद है। मैंने वो वे में नहीं बोला था, मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ। बहुत मेरे को बुरा लग रहा है, क्योंकि किसकी गलती है, अरमान मलिक की गलती है, लव कटारिया की गलती है, या विशाल की गलती है? आप लोग किसके साथ हैं, आप लोग किसको वोट देना चाहते हैं, कमेंट्स में जाके बताइए आप लोग को क्या लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लव कटारिया की गलती है, लव कटारिया को अपने दोस्त विशाल का साथ देना चाहिए था, क्योंकि उसका कहने का ये मतलब नहीं था, ये मोटो नहीं था। उसने सिर्फ बताया था कि कृतिका अच्छी लग रही है, उसने ना कि ये कहा था कि कृतिका मुझे बहुत अच्छी लगती है या पसंद है। तो उसके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया है यहाँ पे, और बताया गया है कुछ भी जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। और अरमान को उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन अरमान को गुस्सा आया और उसने मारा थप्पड़, और बिग बॉस भी यहाँ पे बहुत दुखी है इन लोगों की हरकत के वजह से। तो आपको क्या लगता है किसकी गलती है, तो कमेंट में जाके बताइए, और बने रहिए लेटेस्ट अपडेट बिग बॉस OTT सीजन 3 के बारे में जानने के लिए। जैसे ही कुछ पता चलता है वैसे ही मैं अपडेट करती हूँ, तब तक के लिए बाय।